सब मिलना भूत झोकला झमार भारत बाल बच्चा के लेके ठरे रह गए चौकी पर की करते हैं। देखिए लोग सामान लेके घर से निकल रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? सड़की के ओए पार, सड़की पर हाँ और फिर रात भर तो जाग ले ही ये तो। आप लोग भी वही जा रहे हैं सब? सब सड़की पर जा रहे हैं। बोली बांध पे, बांध बांध पर। तो देखिए बांध पर जा रहे हैं यहाँ के लोग। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर में हूं और यहां बाढ़ का पानी आप देख सकते हैं किस तरह से गांव में आ गया है। लोग परेशान हैं, क्या बताइए? टावर चौक पर मेरे घर बनाते हैं साले में गिर जाता है। ये किया नगर निगम, नगर निगम का है कुछ मोदिया का एक फुट डाल चार। यान ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन काली स्थान बेगूसराय। चाल चलाई छेगा ना तो दहार भेजल का हम पूर्ति करेगा बाबा घर से। हाँ अपना बाबा घर से पूर्ति करेगा। कब से पानी आ रहा है? कब से पानी? पानी हमारा घर में कल्याण घुसते है। हाँ, बाल बच्चा कहाँ है? ढाला पड़ा रहे हैं, किसी की व्यवस्था नहीं है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है, रहने का कॉल का हालत खराब है। गैया का मान लिये कहाँ रखेंगे, बच्चा कहाँ रखेंगे सर? व्यवस्था कीजिए सर, बहुत दिक्कत है रहने का। देखिए पानी की धार जो है कितनी तेज है और देखिए लगातार पानी आ रहा है। क्या कहिए, पानी तो बहुत हो गया सर, हम लोग का बहुत तकलीफ है। घर द्वार सब डूब गया है, कोई व्यवस्था हाल मवेशी सब लोग अब लेके निकल रहे हैं। हाँ निकल गए हैं सर, पूरा घर खाली है। देखिए इधर बगल में दिखाइए सिद्धांत, इधर देखिए घर में पानी घुस गया है। देखिए वार्ड का जो पानी है जी, घर घर में लल्ली भर पानी है। हाँ। सब लल्ली लल्ली भर पानी है घर घर अंदर और ज्यादा। हाँ सगरे पूरा सगरे। तो देख सकते हैं आप कि बाढ़ का पानी कैसे नगर निगम क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर में आ गया है। लोग परेशान है, बहुत से लोग अब घर छोड़ रहे हैं। खाने का व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं व्यवस्था खाने का, कुछ खाने का व्यवस्था होना चाहिए। बाल बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? सब देखिए वहाँ पर की व्यवस्था है, कहाँ रहता है? यही आपका दुकान है? हाँ यही हमारा घर है। देखिए बता रहे यही दुकान है, दुकान और घर सब यही है। यहाँ पूरा पानी भर गया और यही से देखिए पानी की धार जो आप देख सकते हैं कितनी तेज धार है और धीरे धीरे पानी लगातार बढ़ ही रहा है। पानी लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ते जाएगा। तूफान में चल रहा है पूरा एकदम, इतनी पूरा गंभीर चल रहा है सर। ऐसा ऐसा बात है, नगर निगम को बना दिया है, हमारे व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी कहाँ है व्यवस्था? है व्यवस्था रहेगा तब जितना डूब रहा है सब घर का लोग यहाँ पर। नगर निगम बना है तो व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है सर, ये नगर निगम लायक है ये नहीं है सर। आ इतना बाघ का क्षेत्र है, भोला बाबू यहाँ पर आकर नगर निगम घास दिए। बाल बच्चा भूखा है, नगर निगम है। पानी पानी जो है घर में पानी हुए छोटा जब पता अपने सब बैठा से खाए खातिर। देखिए जो यहाँ के लोग हैं कितने परेशान हैं, कह रहे हैं कि ये नगर निगम क्षेत्र है लेकिन कोई सुविधा भी नहीं है। तो चलिए और आगे चलते अंदर। कमरुद्दीनपुर के बिंद टोली बिचला टोला में यहाँ के लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं यहाँ की स्थिति क्या है।
बताइए बताइए कि भर छाती पानी भर रात रह लिए यहां अखनी में ऊपर भाई हो जाए फिर हमें गलिए समझे नहीं करे सब मिला भूत झोकला जमार भर रात बाल बच्चा के लेके ठरे रह गए चौकी पर की करती है। तो देखिए लोग सामान लेके घर से निकल रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? सड़की के ओए पार, सड़की पर। हाँ कौर की रात भर तो जाग ले ही ये तो। आप लोग भी वही जा रहे हैं सब? सब सड़की पर जा रहे हैं। बोली बांध पे, बांध बांध पर। तो देखिए बांध पर जा रहे हैं यहाँ के लोग और कोई उपाय भी नहीं है क्योंकि पानी घर घर घुस गया है और स्थिति देख लीजिए कि पानी की धार कितनी तेज है। कैसे उलट रहा है इनका? आपका घर यही है? बताइए। हाँ पानी घुसा हुआ है घर में और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्या नाम है? उमेश निषाद। उमेश निषाद बताइए चाची क्या बोल रहे? घरों घरों नहीं मिलता हमको, धाना देवी है ना। हाँ यही घर आपका? हाँ यही हमारे घर मुझे सिल लिया है हम बृहस्पति देवी जी। हाँ वो घर वाले। कब से पानी आ रहा है? कम से रात से पानी आ रहा है, रात से पानी आ रहा है। रात से देखिए पानी आ रहा है, पानी परसों से पानी में डूबा हुआ है। परसों से? हाँ परसों से डूबा हुआ है। एक दो दिन पहले से पानी आना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरे गांव में पानी भर गया। इधर आइए चाचा, आपका घर यही है? नहीं है। क्या क्या नाम हुआ? बीनो सिंह। आ गया घर में पानी? पानी एकदम हेलल है, अत्यधिक पानी, अत्यधिक पानी। कोई व्यवस्था आप लोग? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है सर। बोलिए। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, न रहने का। अभी आप क्या कीजिएगा? बच्चा लोग के लेके कहाँ जाइएगा? घर जाएगा छड़की पर जाएगी यार, कहाँ जाए, सब दिन लोग जाएंगे छड़की पर। तो धीरे धीरे गांव के लोग बांध पर जाने की तैयारी शुरू कर दिए हैं और अभी आप देखे हुए कि किस तरह से लोग बांध पर जा रहे हैं। देखिए सामान लेकर घर खाली कर रहे हैं चूंकि घर में पानी आ गया है, विषैले जीव जंतु का डर रहता है। सरकार कैसे भेज रखी है हमारा घर में? चलखिन देखो भर छाती पानी है, छोटा छोटा बच्चा लेके चार दिन से पानी में फूले। सरकार कहां देख लखिन है? नगर निगम बना के धलखिन, तो कम से कम कुछ तो व्यवस्था तक खिन लगे। तनी तनी को बकले लगे भर छाती पानी में पानी बिहान परसौती हो भैया है से हमर जाए पानी में पिछुल का दम गिरते किया लोते। तब कथी कहा जे हमरा? आप महिलाओं का आक्रोश समझ सकते हैं कि कितनी परेशान है, कितने कष्ट में है और ये लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। खास करके जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके साथ आप समझ सकते हैं कितनी समस्या होगी, उनको पैदल चलना भी मुश्किल होगा। वही ना आता भाई। पूरा पानी घर में घुस रहा है, देखिए घर पूरे फूल हो, घर पूरा फूल हो गया। नगर निगम बनाने वाला है? हाँ बोलिए बोलिए। ये नगर निगम बनाने वाला दिखता है आपको? क्या मांग करिएगा? क्या मांग करेंगे? नगर निगम तोड़िएगा, नहीं तोड़िएगा तो साहब के हल्ला ही, हम डूबेंगे, हम भी साहब को डुबाएंगे, समझे? नगर निगम होता है जहाँ पे पानी नहीं जाता है, वो जगह नगर निगम हुआ, जहाँ डूब रहा है वहाँ पे नगर निगम है। तो साफ साफ समझ लीजिए ये कितना गुस्सा है लोगों में और देख लीजिए पानी जो भर गया है इससे गुस्सा कितना है लोगों में। साफ साफ करें कि नगर निगम के लायक ये कहीं से नहीं है। अब देखिए यहाँ पानी धार कितना तेज है। देख लो सब उठा लो। जी ना